एक वीवर का क्वेश्चन है कि अकोमोडेट क्या है, तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। अकोमोडेट का मतलब है सुटेबल फॉर या फिट फॉर, यानी जब आप कहते हैं कि ये चीज इसके लिए सुटेबल है या फिट है, तो वहां पर आप अकोमोडेट का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं, आइए इस बात को एग्जाम्पल्स में समझें। अगर आपको कहना हो कि यह घर दो फैमिली के लिए सही है, या यह घर दो फैमिली के लिए फिट है, या यह घर दो फैमिली के लिए सुटेबल है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस हाउस अकोमोडेट्स टू फैमिलीज, यानी यह घर दो लोगों के लिए सही है। अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस के जगह पर यह भी कह सकते हैं दिस हाउस इज सुटेबल फॉर टू फैमिलीज। तो चाहे आप कहें अकोमोडेट्स या सुटेबल फॉर, दोनों का मतलब होता है उपयुक्त होना, ठीक होना या फिट होना। अगर आपको कहना हो कि यह होटल 100 लोगों के लिए ठीक है या 100 लोगों के लिए सुटेबल है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस होटल अकोमोडेट्स 100 पीपल, यानी यह होटल 100 लोगों के लिए फिट है या सुटेबल है। यह मैं आपको बता दूं कि अकोमोडेट का एक मीनिंग जगह देना या इंतजाम करना भी होता है, यानी कई बार इस वर्ड का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब आपको कहना हो जगह देना या इंतजाम करना। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो कि गांव वाले गुरु नानक को रात में ठहरने के लिए जगह नहीं दिए या जगह का इंतजाम नहीं किए, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द विलेजर्स डिड अकोमोडेट गुरु नानक विद अ नाइट्स लॉजिंग, यानी रात में ठहरने के लिए या रात गुजारने के लिए गांव वाले ने गुरु नानक को जगह नहीं दिए। अगर आपको कहना हो कि वह मेरे ठहरने का इंतजाम किया यानी जगह दिया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही अकोमोडेटेड मी टू स्टे, यानी वह ठहरने का इंतजाम किया या रहने का जगह दिया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वर्ड शानदार तरीके से समझ में आया। कीवर्ड अकोमोडेट का पहला मीनिंग होता है सुटेबल होना या फिट होना, और वर्ड अकोमोडेट का दूसरा मीनिंग होता है जगह देना या इंतजाम करना। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं जल्द आपके क्वेश्चन पर वीडियो बनाऊंगा। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय।